एक ओर जहां चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया जिसका देश जमकर जश्न मना रहा है, तो वहीं अब देश की सियासत में चंद्रयान को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। साथ ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नामकरण करने को लेकर भी राजनीति का माहौल गर्मा रहा है। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की जिस जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है वहां का नाम शिव शक्ति करने की घोषणा की थी, जिस पर अब विपक्ष भड़क गया है और इसका विरोध करता नजर आ रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता पर राजनीतिकरण करने वालों की जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम देने पर कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार ऐसे विषयों का राजनीतिकरण करने से बाज नहीं आती और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं मैं इन दोनों से असहमत हूँ। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर देश के वैज्ञानिकों को सम्मान देकर उनके नाम पर लैंडिंग पॉइंट का नाम दिया जाता तो हमें और भी ज्यादा खुशी होती। प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार ऐसे विषयों को का राजनीतिकरण करने से बाज नहीं आती। मुझे कोई शब्दों पर ऐतराज नहीं, लेकिन क्या ये आवश्यक है? और जो इसका विरोध कर रहे हैं क्या उनके लिए भी ये जायज है विरोध करना? मैं दोनों ही चीजों को अपर्याप्त मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का नाटक और धर्म का प्रदर्शन जो करती है इससे वैज्ञानिकों का अपमान होता है। बहुत अच्छा होता कि जो संस्थापक थे इसरो के और जो पहले वैज्ञानिक थे डॉक्टर साराभाई, उनको समर्पित होता, अब्दुल कलाम को समर्पित होता तो हमें और भी ज्यादा प्रसन्नता होती। तो वही कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद अजय कुमार ने चंद्रयान 3 पर बात करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां पर चंद्रयान की लैंडिंग हुई उसका नामकरण करना अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसरो का बजट कम कर दिया। 600 करोड़ थे पूरे चंद्रमा के बजट के। प्रधानमंत्री जी जिस हवाई जहाज से बैंगलोर पहुंचे उससे करीब करीब 15 चंद्रयान तक पहुंच सकते हैं। 8000 करोड़ का प्रधानमंत्री जी का खर्चा है तो वो कितने गंभीर हैं आप समझ सकते हैं। जहाँ पर चंद्रयान की लैंडिंग हुई है उसका नामकरण करना अच्छी बात है, बट यही प्रधानमंत्री जी ने इसरो का बजट को कम कर दिया। 600 करोड़ था पूरा चंद्रयान का बजट का। प्रधानमंत्री जिस हवाई जहाज से बैंगलोर पहुँचे वो करीब करीब 15 चंद्रयान जो है 1, 2, 3, 4, 15 तक पहुँच सकती है। 8000 करोड़ का प्रधानमंत्री जी का जो है हवाई जहाज का ही खर्चा है, ठीक है, तो कितने गंभीर है आप समझ सकते हैं। बहरहाल चंद्रयान 3 की इस बड़ी सफलता ने लोगों को गर्व महसूस कराया है तो वहीं इस पर अब विपक्ष को सियासत करने का मौका भी मिल गया है। हालांकि अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार पर लग रहे इन आरोप और कटाक्षों पर सत्ता पक्ष का क्या जवाब होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी और इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों से पल पल रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।